मुस्कान कैसी हालत हुई? इतना लोग इतना धक्का धक्का करके आ रहे थे आगे तक फोटो खिंचाने। लोग फटाफट होटल में घुस गए क्योंकि बहुत ज्यादा पब्लिक हो गई थी और पब्लिक बढ़ती ही जा रही थी, मतलब कम नहीं हो रही थी। पुलिस के चक्कर चालू हो गए थे तो फिर हम लोगों ने सोचा कि किसी को क्यों। हाय गाइस, सो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और हम लोग की सब कुछ पैकिंग हो गई है। आप लोगों को मैंने जैसे बताया था, पहले भी इन्फॉर्म किया था कि मैं कहीं जाने वाली हूँ, सो हम लोगों की सब कुछ पैकिंग हो चुकी है। ऑलमोस्ट हमारा ब्लैंकेट भी चला गया, मतलब आप लोग गेस कर सकते हो कि मतलब कितनी ठंड होने वाली है, ऐसी कौन सी जगह पर जाने वाले हैं, क्या है क्या नहीं। फिलहाल तो सब कुछ पैक हो चुका है, सामान भी नीचे जा चुका है। आपको मैं गाड़ी में जाके बताऊंगी कि सामान कितना सारा सामान लिया है, और गैस करो कि हम लोग कितने दिन के लिए जा रहे हैं। आप लोग सामान देख के ज़रूर बताना। और ये टूर होने वाला है ऑलमोस्ट फॉर 10 to 15 days, और गाइस बहुत मज़ा आने वाला है आप लोगों को। मज़ाक नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। फिलहाल के लिए तो देखो, हमारे ये जो दो ब्लैंकेट्स हैं, ये वाला एक ब्लैंकेट और ये वाला एक ब्लैंकेट, ये दो ब्लैंकेट्स हम लेके जा रहे हैं। मतलब आपको गेस तो कर ही लिया होगा कि हम लोग कहाँ जाने वाले हैं। हम लोग जाने वाले हैं कश्मीर, द ब्यूटी, और जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है। हम लोग मनाली गए थे, लेकिन हमने ऐसा सुना था कि मनाली में ठंड होती है लेकिन मज़े नहीं है। लाइक घूमने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं कश्मीर में इंस्टेड ऑफ मनाली। वहाँ पे सिर्फ पॉइंट्स वगैरह है जहाँ पे सिर्फ बर्फ़ मिलेगा, लेकिन कश्मीर में आपको डलहौज़ी मिलेगा, हाउस बोट मिलेगा, बहुत सारे गार्डन्स मिलेंगे, बहुत सारी चीज़ है घूमने के लिए। तो हम सब कुछ आपको बताएंगे, कितने दिन का टूर है, हम सब कुछ अपडेट करेंगे आप लोगों को। सो स्टे ट्यून्ड एंड नीचे जाके गाड़ी में मिलती हूँ आपसे। सी यू। हाय सो गाइस, हम लोग निकल रहे हैं। और सी रहमान क्या कर रहे हैं? रहमान क्या कर रहे हो? गाड़ी बहुत बहुत चीज़ तो थोड़े साफ कर रहे हैं। देखो किधर चढ़ के कर रहे हैं। वैसे मेरे को गाड़ी का सामान दिखाना था लेकिन गाड़ी बंद है। रमन गाड़ी अनलॉक करो ना। ओके, अरे कपड़ा जुड़ा पड़ ले मसला वो। ओके, तो ये हमारे ब्लैंकेट्स है, ये लैपटॉप है, ये पिलो है, और बाकी पीछे का सारा सामान आपको नहीं दिखेगा, लेकिन इतना सारा सामान है कि सब इधर ऊपर तक तो आपको दिख रहा है। सो स्टे ट्यून्ड गाइस, रास्ते में मिलते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे हम क्या खाए, हम क्या पिए, हम किधर जा रहे हैं, अभी किधर रुके हैं। तो हमारा पहला स्टॉप रहेगा अजमेर। हाय सो गाइस, फाइनली एक स्टॉप हम लोगों ने ले लिया है, और आई डोंट नो, ये शायद रहमान ने अभी किधर है, करजन पहुंचे है, मतलब ऑलमोस्ट हम लोग ने पार कर लिया है 150 किलोमीटर अराउंड। एंड अभी हम लोग थोड़ा सा रुके, चाय नाश्ता करते हैं थोड़ा सा, फिर मिलते हैं। हाय गाइस, सो हम लोग पहुंच गए हैं यहाँ। चाय क्या लाओ, कोई पीती भी नहीं, और इनको भूख लगी है, लगी है भूख। तो अब दूसरी होटल देखें, दूसरी जगह देखने क्या करें, चाय भी इतना क्या बोलते वो नहीं है, चाय इतना सही भी इतना अच्छा कर भूख लगे लिए रुको तो कुछ भी नहीं है खाने का, कारीगर नहीं है, किचन नहीं है क्या? तो मैं बनाऊं जाके तो बना लेंगे जरा। अब यही बाकी था, कोई बात नहीं, चलो दूसरे होटल देखते हैं। चलो दूसरा में देखें, साथ ही जाकर बुलाई भूख लगी, मिलते हैं कुछ खाना मिल के। फाइनली बहुत काली दिख रही इधर, सामने बहुत काली दिख रही हूँ। उसके बाद कितने किलोमीटर अभी हम लोग ने 60-70 किलोमीटर चला लिया, तो उसके बाद यहाँ आके हम लोग को खाना मिला। हम लोग पहले रुके थे कुछ समथिंग 4 बजे के आसपास, अभी 5 बज रहा है, अभी जाके खाना मिला है, तो गाइस हम देखते हैं मिलेगा भी या नहीं। चलो जाके राजस्थान में एंटर हो चुके हैं ना हमने, यस राजस्थान एंटर हो चुके हैं, ऑलमोस्ट होता है पूरी। यहाँ से बताऊँ आप लोगों को कितना दूर है, ठंडक है थोड़ी, लग रही है क्या, मतलब उदयपुर गाइस आप लोग देख सकते हो इधर है रे उदयपुर, अच्छा उदयपुर इधर है, इधर आता है, इधर इधर है उदयपुर। और अभी हम लोग हैं दुंगापुर, हिम्मतनगर से थोड़ी आगे हमने जा रहा, ऐसा लगा अब ठंडी लगी थोड़ी, वहाँ मुझे ठंडी नहीं होगी, वहाँ जरा भी कश्मीर में ठंडी नहीं होगी, देख बहुत सारी पता नहीं गाइस कुछ खाने के लिए मिलेगा या नहीं, देखते हैं अभी। हाय गाइस,
सो फाइनली हमको खाने के लिए मिला भी क्या, मेरी फेवरेट मेरी मैगी। ये पोकेमोन कौन खेले लंदन ये? और हम लोगों को और हम लोगों ने ऑर्डर किया है दाबेली सैंडविच और मैगी और चाय और चाय तो खाया था बहुत। यही मिला है तो खा रहे थे, बस ये भी ना खाओगे। रहमान वैसे जल्दी मैगी खाते नहीं है तो ये ना सैंडविच आ गया ना सैंडविच खाओ। तुम सैंडविच खाओ, मैं मैगी खा लूंगी। सी यू, हम खा पी के अलग से मिलते हैं। हाय गाइस, सो हम लोग फाइनली पहुंच गए अजमेर और हालत आप लोग देख ही सकते हो, लाइक बहुत ज़्यादा थक गए। ये तो सो भी गया था बेचारा, नहीं इनमें से उठा हुआ है। और रहमान तो गाड़ी चला चला के हालत टाइट हो गई है रहमान की, और वो भाई जाके जो सोएगा तो फिर उसको उठना ही नहीं है। और यहाँ तो आप लोग आंखें देख ही सकते हो, सूज गई है मेरी आंखें, मैं इतनी थक गई हूँ। तो अभी पहले होटल पे जाएंगे, थोड़ा सा खाएंगे और फिर सो जाएंगे। फिर हम रात में उठ के दरगाह पे जाएंगे शाम में या रात में, फिर दरगाह पे से डायरेक्ट हम लोग निकल जाएंगे आगे के लिए। आप लोग को बता दें दरगाह पे जाएंगे, दरगाह पे भी सिर्फ खाली सलामी भर के तुरंत बाहर से मतलब ज़्यादात करेंगे हम, वो सब आपको बताएंगे सब। लव यू, बाय। मालूम नहीं हम लोग कितने टाइम के बाद ऑटो में बैठे, याद भी नहीं मेरे को कब बैठाऊंगा मैं लास्ट टाइम। अच्छा ऑटो में बैठ के ऐसा लग रहा है, गाड़ी में इतनी शांति हो रही थी, नींद आ रही थी, यहाँ पे आके सारी नींद उड़ गई हमारी। यहाँ पे बहुत ज्यादा रश होता है, ये ऑटो ड्राइवर से कितने पैसे चला रहे बाइक। अब कैसे जाएंगे, अभी ये तो ही करेंगे हम तो। रहमान इधर ड्राइविंग है भाई, यहाँ की रहमान सीखेंगे ना। हाँ रहमान, सब कुछ क्या मिले नहीं भाई, मैं तो जब तक मैं आगे देखा तो निकल रही थी, कुछ कंफ्यूज है कि कैसे जा रहे हैं। देखो रास्ता है, पूरा रास्ता है। अंकल तुम तो जरा भी डरते नहीं है अंकल नहीं भाई। हाँ मैं सबको अंकल ही बोलती हूँ। मम्मी गाय मारेंगी। अरे बाप रे कुकर, मजा आ रही है। एंजॉय मैं बैठे थे ना गाड़ी में, मैं एंजॉय मैं वहां से यहां तक का इतना मेरे को डर नहीं लग रहा, सूरत से यहां तक चला गया। सो गाइस सी यू, होटल जाके मिलते हैं। गाइस फाइनली हम लोग यहां रूम पे आ गए, मतलब दरगाह के बराबर सामने ही रूम है हम लोग का। पता नहीं हम लोग यहाँ पे रुकते हैं, मेरे को अच्छा लगता है, मतलब यहाँ से बहुत पास रहता है दरगाह भी जाने के लिए। तो मम्मी लोग को भी लेकर आता हूँ तो मैं यहाँ पे ही रुकता हूँ, क्योंकि यहाँ से सामने ही दरगाह रहती है। फिर इसको खोलना कहाँ से, अच्छा यहाँ से खुलता है, देखो ये सामने ही दरगाह, यहाँ से ही सामने दरगाह, बस इतनी ही करीब है मतलब यहाँ से दरगाह। गाइस हमारा जो सफ़र था दरगाह तक का बहुत खतरनाक था। मैं सूरत से यहाँ तक चला कर आया, मेरे को इतना डर नहीं लगा, बट यहाँ से इतने में तो मेरी क्या भाई तुम्हारा डेयरिंग क्या है, कैसे चलाते तुम लोग ऐसे गाड़ी। और मतलब समझो कि एक किलोमीटर भी नहीं होगा उसको उन्होंने लिया 200 रुपए,
अभी मालूम पड़ा रखते हैं लोग 200 रुपए लेने के, अपन बहुत अच्छे। अभी मालूम पड़ा कि लोग 200 रुपए क्यों लेते हैं, क्योंकि लोगों के पैर के ऊपर ना चढ़े, लोगों को ठोक ना दे या कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, अच्छे से चलाते, चीज का ध्यान रखते बेचारे लोग। तो अभी हम लोग खाना का ऑर्डर कर रहे हैं, मतलब कुछ मंगा रहे हैं, तो खा के फिर थोड़ी देर सो जाएंगे, थोड़ी देर नहीं ज्यादा ही सो जाएंगे। तो मिलते हैं आप लोग को शाम को दरगाह पे जाते हैं उसके बाद, ठीक है, खा लेके बहुत भूख लगी है। हे गाइस, सो गुड मॉर्निंग, रात के 10 बजे हम लोग की गुड मॉर्निंग हुई है। सुबह कितने 12 बजे के जो नाश्ता करके सोए थे, ये तो कभी भी नहीं उठ रहे, देखो ये लोग को उठा रहा हूँ रात के 10 बजे। ये भाई देखो एक बाथरूम में गया है छोटा, ये अभी भी सो रही है, ये फ़ोन लेके बैठा है, मैं कब से उठा रहा इन लोग को, मतलब मैं भी अभी उठा 10-15 मिनट पहले। हम लोग अभी है दरगाह के पास, अभी हम लोग यहाँ से जाएंगे रात में, मतलब हम लोग सोचा था कि शाम को 7 बजे जाएंगे दरगाह पे, बट बहुत ज़्यादा लेट हो गया, तो इसी वजह से हम लोग अभी जाएंगे दरगाह पे, फिर उसके बाद खाना खाए के फिर रात में निकल जाएंगे 12:30 के आसपास कुछ। मेरी आँखें भी नहीं खुल रही, इतनी छोटी हो गई मेरी आँखें, सूज गई है। तो मिलते हैं दरगाह पे जाके, ठीक है। हाय सो गाइस, फाइनली मैं तो रेडी हो गई हूँ। हम लोग दरगाह में जाते हैं तो हम लोग ऐसे ही कपड़े पहनते हैं, तो मैंने अभी ड्रेस पहन लिया है एंड अब हम लोग जा रहे हैं दरगाह। रहमान थोड़ा रूट का देख रहा है कि किस रूट से निकलना है। अब हम लोगों ने सोचा था लुधियाना रुकेंगे, नहीं लुधियाना तो यहाँ से 600 किलोमीटर है, और हमारा रूट जो है रोज़ का डेली का वो जा रहा है 800 किलोमीटर्स। तो 800 किलोमीटर्स तक रुकने के लिए बीच में पठानकोट आता है, तो वहाँ तक 800 या 900 किलोमीटर्स है कुछ। तो हम लोग सोच रहे हैं कि हम रुके कहाँ, लुधियाना रुके या पठानकोट रुके, अब देखते हैं कहाँ रुकना है कहाँ नहीं, अंबाला साइड में रुकना है नहीं। तो रहमान से देख के पूछ के हम रूट डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ भी, और फिर आप लोगों को बताएंगे हम किस रूट से कहाँ जा रहे हैं और कैसे जाने में इजी रहता है, कौन सा रूट सबसे अच्छा है। क्या मांगोगे मेरे लिए? चलो फटाफट निकले, अपने निकल रहे, देखो यहाँ पे टाइम 12 बजे रात को हम लोग कैसे निकल रहे हैं, मतलब अभी गाड़ी के पास जाएंगे, आज आधा घंटा लगेगा गाड़ी तक पहुँचने के लिए। तो फाइनल गाइस, होटल वाला बहुत ही अच्छा था, जिसने हम लोग को पीछे के गेट से डायरेक्ट ऑटो में बिठा के यहाँ पार्किंग तक पहुँचा दिया है ना। मुस्कान कैसी हालत हुई? इतना लोग इतना धक्का धक्का करके आ रहे थे आगे तक फोटो खिंचाने, लोग फटाफट होटल में घुस गए क्योंकि बहुत ज्यादा पब्लिक हो गई थी और पब्लिक बढ़ती ही जा रही थी, मतलब कम नहीं हो रही थी, पुलिस के चक्कर चालू हो गए थे। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि किसी को क्यों हैरान करना। ये हम लोग आगे पार्किंग में, हमारी गाड़ी हो रही पीछे रखी है, वो निकल जाए, इतना हम लोग ऐसे निकल रहे सीधे। सो गाइस सी यू, लाइक कमेंट शेयर करना भूलना मत और सब्सक्राइब करना भी, सी यू। हाय, सो हम लोग इधर रुके जयपुर से 80 किलोमीटर दूर आए हुए हम लोग, और यहाँ पे रुके, लेट्स सी कि अभी नेक्स्ट क्या होता है। हम लोग लास्ट टाइम आए तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड थी, इवन हम लोग ब्लैंकेट ओढ़ के घूम रहे थे। अभी ठीक है, अभी इतनी ठंडी नहीं लग रही, नॉर्मल टेम्परेचर है, अभी इतनी भूख लगी थी, मन क्या हो गए
वही देख रहा हूँ। भूख लगी है, भूख लगी है? तो सबको वापस से भूख लग गई। अभी जस्ट हमने खाना खाया था, लेकिन अभी ठंडी है ना तो ज़्यादा भूख लगी है उस चक्कर में। तो देखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। डाल सो गाइस, हम लोग पहुँचे हैं फिलहाल ये टॉल पे, और यहाँ पे हम लोगों को देख के लगा लाइक इतना ज़्यादा फॉग है। मैं आप लोगों को बताती हूँ, दो मिनट। आगे भी सेम ही है, सेम लाइटिंग एंड ऑल। कोई दुकान वुकान नहीं है, इतने सब ट्रक खड़ा होगा, कोई दुकान भी नहीं होगी। किसान बहुत जुड़ता है यार इनको, जिधर उधर पेशाब आ जाती नहीं है, कुछ भी नहीं है आसपास। नहीं नहीं है, रुको। हाँ वो रहा वाला ढाबा है, वो ढाबा है। लो सो लो, देखो क्या है। छोड़ खुद नहीं जानता, अल्लाह लाए रखवानी नहीं जानता। सो गाइस, बहुत देख सकते हो कितना ज्यादा फॉग है, और ठंड भी है। तो हम लोग को लग रहा है कि अब हम अंबाला मतलब 260 किलोमीटर है, और वो हम आराम से कवर कर लेंगे 2 घंटे में, क्योंकि रोड ही इतने अच्छे हैं। बहुत मुश्किल है, बाप रे बाप। नहीं आ रहा ऊपर कुछ भी आवाज, बाप रे बाप। मेरे को हाथ लगाओ जल्दी से, चल आजा नीचे, सब नीचे आ जाओ। बर्फ हो गए मेरे हाथ, बाप रे बाप। पर गिर बारी बंद, सब सब गया, मेरे बाल, मेरी आंख, मेरी आंखें देखो कैसी हो गई। 2 मिनट मस्त लगता ऊपर। अच्छा एक बार जा तो बहुत मजा आती है। सुबह एवरीबॉडी मरण इससे कुछ होता नहीं है, बाकियों को बोलने बैठता है। सो जाने ऊपर जाना, डरे जिम करे जा, कश्मीर में जाएंगे ये तो छोटी मोटी ठंडी में मैं नहीं जाता। बाहर बहुत गंदी वाली ठंडी लग रही थी, मेरे हाथ ऐसे रेड हो गए पूरे, और बाहर इतना ज्यादा फॉगी है, क्या बताऊं मैं। अभी इतने सालों के बाद एक अंकल देखने मिले हैं, बस ये एक। जो लिफ्ट मांग रहे थे, लेकिन हाईवे पे मम्मी पापा ने ना बोला है, किसी को पिटाने का नहीं। गाड़ी दुकाने का ही ना बोला था गाड़ी दुकाने का सुसु है तो भी बोला गाड़ी में कर रहे हम सुन रहे थे ये गाना, लेकिन अफसोस की बात ये है कि हम आपको नहीं सुना सकते। आज हमने कुछ नया ट्राई किया था, क्या ट्राई किया था? एडास क्रूज कंट्रोल, जो अच्छा यहाँ पे इस तरीके के सेंसर्स लगे हुए हैं। हम लोग का 3 बार कट चुका है, हमारा 3 बार मेमो फट चुका है, 2 बार ओवर स्पीड के लिए, बट अब जो होगा दिखा जाएगा, हमको मालूम नहीं था। एक सेकंड पूरी सेटिंग है इसकी, पूरी सेटिंग करना पड़ती है। दोनों हाथ भी मेरे ऊपर है, पैर भी ऊपर है, ऑटोमेटिक ही चलती है वो। यस फाइन,
को बार बार बोलती है कि हाथ रखो। मत लगाने, मैं ना बोलता हूँ, मत लगा। सो हम इसको ऐसे ही चलने देंगे आज। कंप्लीट चलती है, और स्पीड बढ़ाओ इसकी। में नहीं नहीं, अभी 95 पे कर दिया मैंने इसको। सुबह बात नहीं, 95 पे हम बिना हाथ पैर लगाए चल रहे हैं हमारी गाड़ी। ये दोनों हाथ देखो ऊपर है इसका। हाय, पत्ते पत्ते के ना, पत्ते ला काट के ले, पत्ते काट जी का। खाना वाना खा लो, इतनी देर में आराम से बैठ के चला करेगी इसकी जात से ही। कंटिन्यू इसकी जात से ही चल रही है, मैं चला ही नहीं रहा हूँ। देखो मेरा हाथ दोनों ऊपर है, मेरे पैर भी ऊपर है। चाय पीना ये देखो, सुनो तो अभी कहीं रुकेंगे ना, यहाँ पे कहीं चाय नहीं जा जब तक एक्सप्रेस नहीं पतेगा। एक्सप्रेस ऑलमोस्ट अभी कुछ 50 किलोमीटर की जात से कंटिन्यू चलती है, लेन ले लेके। कोई बात नहीं, हम लोग आप कुछ लेके मतलब चाय वाय होटल वगैरह देखते हैं, फिर मिलते हैं। हाय गाइस, सो हम लोग मॉर्निंग में इतना ज़्यादा थक गए थे कि हम व्लॉग में कुछ ले नहीं सके थे, क्योंकि मैं तो सोई गई थी और रहमान गाड़ी ड्राइव कर रहे थे तो ले नहीं पाए हम लोग। लेकिन कैसे भी करके, आई डोंट नो मैं सांस क्यों नहीं ले पा रही हूँ, बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ पे। और हम लोग सुबह में होटल ढूंढ रहे थे, पठानकोट जाके रुकना था, लेकिन हम लोग रुक गए जलंधर। जलंधर में हमको होटल मिली और हम लोग यहीं होटल में स्टे कर रहे हैं। और सुबह हम लोग 12 बजे आ गए थे, अभी 12 बज रहे हैं। जस्ट खाना खा के हम लोग आए हैं, फ्रेश हुए हैं अभी, और हम लोग निकलेंगे यहाँ से करीबन 2-2.5 बजे के आसपास। सो मिलते हैं नेक्स्ट सफ़र में।